गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं नाइन्थ क्लास का जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमें पढ़ना है कोशिका और उनकी संरचना, उसकी संरचनाओं के बारे में। और इसी कोशिकीय संरचना में से एक संरचना है क्या, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है क्या, पारगम्यता या ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम सेलेक्टेड सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कुछ चुने हुए सब्सटेंस को ही आने जाने देना, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या पारगम्यता। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, दो तरह से होता है, दो प्रोसेस, एक को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। तो आज के क्लास में हम लोग समझते हैं क्या ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस या विसरण समझने के पहले हमें इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स समझने होंगे, जैसे सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट या विलायक क्या होता है, फिर सॉल्यूट या विलेय और फिर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि उस विलयन के प्रत्येक हिस्से में दोनों पदार्थों का जो रेशियो है वो इक्वल हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग या विलयन को हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। मान लेते हैं कि नमक और जल का हम लोग एक विलयन लेते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो उससे जो विलयन बनेगा तो वैसा विलयन जिसमें नमक के बाल्टी के प्रत्येक हिस्से में नमक और जल की जो रेशियो है वो इक्वल हो, ऐसा नहीं ना कि बाल्टी के पेंडे में नमक का रेशियो ज़्यादा है और ऊपरी सतह पर नमक का रेशियो कम है, तब ऐसे विलयन को हम लोग समांगी विलयन नहीं बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं विलायक, किसी विलयन में वो पदार्थ जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे जल और नमक के विलयन के संदर्भ में जल जो है वो विलायक है, जल जो है वो सॉल्वेंट है या विलायक है, है ना। अगला है क्या, विलेय, किसी विलयन में वो पदार्थ जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, है ना। जैसे नमक और जल के विलयन के संदर्भ में नमक जो है वो क्या है, विलेय है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है ना अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ठोस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। जैसे ठोस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, जिसमें दोनों मैटर क्या हो, दोनों सब्सटेंस क्या हो, ठोस हो, जैसे गोल्ड और कॉपर का सॉल्यूशन, ये ठोसीय सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन, दूध और दोनों मैटर, दूध और वाटर, लिक्विड, दोनों पार्ट क्या है, लिक्विड है, है ना। जैसे मान लो एक सॉलिड और एक लिक्विड, जैसे नमक और जल, द्रवीय सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन एयर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो ये सॉल्यूशन जो होते हैं अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। अलग अलग प्रकार की झिल्ली होती हैं, कुछ इम्परमिएबल होती हैं, कुछ सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं, कुछ सेमी परमिएबल होती हैं। तो इन्हीं में से एक झिल्ली है सेमी परमिएबल, और इसका एक सुंदर सा एग्जांपल है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने से हो करके केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही आने जाने का परमिशन देती हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकता है, इसलिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर लोअर देन द अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो सेमी परमिएबल मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स ही गमन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग तीन जार लेते हैं, जार वन टू एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जार में हम लोग क्या करते हैं, एक लीटर प्योर वाटर लेते हैं, सेकेंड में भी एक लीटर प्योर वाटर लेते हैं और थर्ड में भी एक लीटर प्योर वाटर लेते हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट जार में हम लोग इसमें 5 ग्राम नमक मिलाते हैं,
तो 5 ग्राम नमक के और एक लीटर वाटर में 5 ग्राम नमक के मिलने से जो साल्ट सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग कहते हैं 0.5% साल्ट सॉल्यूशन। फिर सेकेंड जार में हम लोग क्या करते हैं, 9 ग्राम नमक मिलाते हैं, है ना। तो एक लीटर वाटर में 9 ग्राम नमक मिलाने से जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर थर्ड जार में हम लोग क्या करते हैं, एक लीटर वाटर में 13 ग्राम सॉल्ट मिलाते हैं, है ना। तो एक लीटर वाटर में 13 ग्राम सॉल्ट मिलाने से जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे 1.3% सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर तो हमें सॉल्यूट का परसेंटेज मालूम हो गया, लेकिन हमें सॉल्यूट से मतलब नहीं है, हमें किसका कंसेंट्रेशन या परसेंटेज निकालना है, सॉल्वेंट का, वाटर का, है ना। तो आइए हम लोग वाटर का परसेंटेज निकालते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट जार जिसमें 0.5% सॉल्ट सॉल्यूशन है, है ना। 0.5% सॉल्ट सॉल्यूशन में 0.5% क्या है, सॉल्ट है। तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 99.5%, क्या होगा, वाटर होगा। नेक्स्ट सेकेंड जार में जिसमें 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें 0.9% क्या है, सॉल्ट है। तो वाटर कितना होगा, 99.1%, क्या होगा, वाटर होगा। थर्ड जार में जिसमें 1.3% सॉल्ट सॉल्यूशन है तो 1.3% सॉल्ट है तो इसमें वाटर कितना होगा, 98.7% क्या होगा, वाटर होगा। वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन या परसेंटेज इनमें इतना होगा। तो अब हम लोग कंपेयर करें तीनों जार को, फर्स्ट और सेकेंड में जब कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन या परसेंटेज जो है 99.5% और इसमें कितना है, 99.1%, है ना। किसमें ज़्यादा है, जार वन में। जब इसमें और इसमें करते हैं तो इसमें 99.1 है और इसमें 98.7 है, किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, है ना। और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, अब देखते हैं, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं परासरण का। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, है ना, ये जो पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन को हम लोग हटा देते हैं और इसके जगह पर एक हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ओके, अब देखिए, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ये आपका क्या हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया, विलायक सॉल्वेंट के मींस वाटर मॉलिक्यूल्स इधर है, है ना, दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इधर क्या है, सांद्रता ज्यादा है, इधर क्या है, कम है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यहां से इस जार वन से जार टू की ओर मूवमेंट को, गति को परासरण कहते हैं। मींस वाटर मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने को हम लोग कहते हैं क्या, परासरण। ओके, समझ में आया। यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर से वाटर इधर की ओर मूव करेगा, यहां से यहां की ओर जाएगा। तो वाटर के इसी मूवमेंट को किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर मूव करने को हम लोग कहते हैं क्या, परासरण। तो परासरण क्या है, परासरण एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है,
है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो इस परासरण के लिए मेन दो कंडीशन होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली का होना जरूरी है, बगैर अर्धपारगम में झिल्ली का परासरण नहीं होगा। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, कंसंट्रेशन डिफरेंसेस जिसे हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं, मींस कंसंट्रेशन में अंतर। इधर 99.5 है और इधर 99.1 है, तो 0.4% का अंतर है ना, तो ये जो डिफरेंसेज है इधर से इधर में, इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। तो दोनों का, यदि कंसंट्रेशन का डिफरेंसेस नहीं होगा तो मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, मूव करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूव करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस का होना जरूरी है। ओके, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टॉनिसिटी, क्योंकि टॉनिसिटी के लिए हमें यह जानना जरूरी है। टॉनिसिटी क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल, किसी कोशिका के आयतन पर किसी विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे तीन टाइप के हम लोग विलयन पढ़ते थे ना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो उसी को हम लोग कहेंगे। क्या इन तीनों विलयन का अलग अलग कोशिकाओं पर क्या असर पड़ता है, कोशिका के वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है, अगले क्लास में हम लोग इसी टॉनिसिटी को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।